नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है पुनः आपका हमारे YouTube चैनल 999 सोनग्राम में। देव परिक्रमा के नियम क्या है, शायद आपको पता नहीं होगा, या पता भी होंगे तो शायद सही तरीके से नहीं पता होगा। अगर सही तरीके से पता भी है तो हम दिल से शुक्रगुजार है उस व्यक्ति के। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे देव परिक्रमा की जाती है। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शास्त्रों में बताया गया है कि देव मूर्ति की परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि देव्य शक्ति के आपा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर देव्य शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि परिक्रमा सदैव मूर्ति के दाईं ओर से आरंभ करें। गणेश जी और विष्णु जी, श्री गणेश जी और हनुमान जी की तीन परिक्रमाएं करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। भगवान विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की परिक्रमा चार करनी चाहिए। विष्णु की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनाकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। सूर्य मंदिर की सात परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है। वटवृक्ष, महिलाओं द्वारा वटवृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। सावित्री व्रत पर महिलाएं वटवृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। इससे उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और मां दुर्गा, शिव जी की आदि परिक्रमा की जाती हैं। शिव जी की परिक्रमा करने से रात के सपने में बुरे ख्याल और अनर्गल सपनों का खात्मा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न गालांगे और आधी परिक्रमा करके वापस लौट जाएं और फिर बाईं ओर से जाकर आधी परिक्रमा करें। देवी माँ की एक परिक्रमा की जानी चाहिए। नवरात्रि में मंदिर जाने पर वक्त जन माँ दुर्गा की मूर्ति की परिक्रमा एक परिक्रमा लगाएं। नियम, परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए, साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत करना ना करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ध्यान करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।